हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉप्स एकेडमी पर। मैं हूं अरुण पटेल और आज भाई 20 मई, तो 20 मई के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। 19 मई और 20 मई दोनों दिन के करंट अफेयर्स हैं ये। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनकी PDF आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना और इनके आप नोट्स ज़रूर बनाया करें। नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा ये है, आप वापस से इनको जैसे कि महीने वार या फिर साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम आएगी आप इसका रिविज़न कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको बार बार वीडियो से आप बार बार ढूंढने नहीं पड़ेंगे GK के क्वेश्चन, और जो भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूँ या फिर क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आप मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा प्रति लाख आबादी पर कितना है, तो ये है 0.2 व्यक्ति पर लाख, यानी कि एक व्यक्ति की मौत भी नहीं हो रही है। 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति की मौत भी नहीं हो रही है, यानी 5 लाख लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। भारत के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है भारत का। हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं सभी मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आप सभी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें, कुछ टाइम की बात है, प्रॉब्लम है चली जाएगी, तो घर पर रहें। अगर बात करें दुनिया की, पूरी दुनिया में ये आंकड़ा जो है 4.1 लोगों की मौत हो रही है प्रति 1 लाख आबादी पर। हालांकि भारत की आबादी 135 करोड़ है, तो ये इसलिए ये आंकड़ा कम है, है ना। अगर बेल्जियम की बात करें तो वहाँ का आंकड़ा सर्वाधिक है, 7.9 व्यक्ति पर लाख मर रहे हैं। वहाँ पर लगभग 50,000 के लगभग केसेस हैं और वहाँ पर 10,000 लोग मर चुके हैं। भारत में 1 लाख से ऊपर पहुँच चुका है आंकड़ा और 27 से 28 लोगों की मौत हुई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत कम लोगों की मौत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को हो रही असुविधा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो ये है 1881। ये नंबर जारी किया है अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए 1881 एक नंबर जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है और 2018 से स्टार्ट किया गया। क्यों मनाया जाता है तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है, इस योजना को शुरू किया है, तो यह है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना क्या है, तो ये इस योजना में जो भी किसान जो है धान बेचते हैं उन लोगों को जो कम रेट पर अगर धान बिकता है तो बाकी के जो पैसे वो सरकार अपनी तरफ से पे करेगी, ये इसमें सिस्टम दिया हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से इसका शुभारंभ किया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ये मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ और इसकी राजधानी क्या है, ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल मोन्यूमेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस भी कह सकते हैं, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। इस वर्ष हालांकि इसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया, भारत में भी जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते थे लेकिन इस बार नहीं आए हैं, बहुत ही संख्या कम हो गई लॉकडाउन के चलते। अच्छा, 2020 की थीम की अगर बात करें तो ये थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी 2020 की थीम है। अगले क्वेश्चन है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इस सभा का आयोजन हुआ है, यानी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन हुआ है। और इसमें जो कोरोना है इसको ये किस कारण से फैला है इसकी जांच होगी और इसमें 63 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो इसमें जो यूरोपीय संघ ऑस्ट्रेलिया इन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसमें 63 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो अब जांच होगी
कि किसके द्वारा ये फैलाया गया, क्या वाकई में चाइना के द्वारा फैलाया गया। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप फ्यूचर डिक्लेरेशन के से मतलब परेशान है, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, फ्यूचर के बारे में डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है, 12वीं पास कर ली अब क्या करना है, फाइनल हो गई अब क्या करना है, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। उस इंस्टाग्राम पर आप मुझे, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की 100% कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो यह प्रधानमंत्री ई शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक क्या है इसके तहत क्या होगा, 12 DTH चैनल, यानी कि पहले कम चलते थे अब 12 कर दिए, पहले भी चलते थे ये, आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल चलाया जाएगा। इससे छात्रों की घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और वे घरों पर ही पाठ्यक्रम पूरा कर सकें, लेकिन छात्र घर पर नहीं पढ़ेंगे। बहुत समझदार छात्र हैं ये, नहीं पढ़ेंगे घर पर। मोदी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगर इसराइल की राजधानी की अगर बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसराइल के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है कि 19 मई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती थी, किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई। इनका नाम है श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सकारात्मक होने का दावा किया है। ये करेगी कि भैया हमने जो पहला ह्यूमन ट्रायल है वो सकारात्मक, यानी कि इसके रिजल्ट सही आए हैं, इन लोगों में प्रतिरक्षा बन रहा है, बन रही है, जो भी है वो बन रहा है, इन्होंने कहा है। तो ये अमेरिका की बायोटेक कंपनी है मॉडर्ना कंपनी है, इसने बताया है ये। अगला क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका में एक रेस हुई, है ना, इस ये रेस बहुत दिनों बाद हुई है, 8 मार्च को हुई थी, उसके बाद अब हुई है अमेरिका में, वही 400 मील नेस्कार रेस किसने जीती। तो ये फोर्ड के केविन हर्विक है, इन्होंने ये रेस जीती है। इसमें 40 कारें शामिल हुई थी और 40 कारों पर जो कोरोना वॉरियर से जो डॉक्टर वगैरह हैं इनके नाम लिखकर, इनको सम्मान दिया गया है, इनको इन कारों पर इनके नाम लिखकर। ये जो हार्विक की ये करियर की 50वीं जीत थी ये इनके करियर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के रिजल्ट की घोषणा किसने की। तो ये है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कचरा मुक्त स्टार रेटिंग की रिजल्ट की घोषणा की। इसमें 7 रेटिंग में से इनको रेटिंग पॉइंट्स मिलने थे, इनसे 7 रेटिंग किसी को नहीं मिले, 5 स्टार रेटिंग मिली है भारत के 6 शहरों को, इंदौर, मैसूर, नवी मुंबई, राजकोट, सूरत और अंबिकापुर, इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों से लगातार इंदौर रहेगा नंबर वन आ रहा, भैया इंदौर नंबर वन आ रहा है, और अभी कोरोना में भी इंदौर नंबर वन पर ही है। तो भाई इंदौर वाले मानते ही नहीं हैं, भैया हमें तो नंबर वन पर रहना है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, एक तो छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और इसराइल की राजधानी क्या है, ये 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल के बारे में आप बता सकते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसके राष्ट्रपति कौन है। आपको जितनी भी जानकारी उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बताया करें। इससे क्या रहता है, आप पहले सर्च करेंगे इसराइल के बारे में, इसराइल की करेंसी पता कर लेंगे, इसराइल के राष्ट्रपति, इसराइल के प्रधानमंत्री, इसराइल के बारे में हर चीज़ पता कर लेंगे। तो ये आपके जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अदर वीडियोज़ है जैसे कि मैथ्स और एमपी जीके के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस करंट अफेयर्स के वीडियो की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।